गढ़ को लगी श्राप। कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। दुनिया में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ बुरी आत्माओं ने अपना कब्जा जमा रखा है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो ये वही स्थान है जो एक समय पहले काफी खुशहाल हुआ करते थे, और बस एक बुरी नजर की वजह से वह स्थान आज श्रापित हो गए। जहां पहले वहां चारों ओर खुशहाली हुआ करती थी, आज वह स्थान अंधेरों के बीच कहीं खो गया है। ऐसा ही एक स्थान है भानगढ़ का किला, जो अपनी भूतहा कहानियों को लेकर काफी चर्चाओं में है। शायद बहुत ही कम लोग यह जानते होंगे कि यह कहानियां नहीं बल्कि एक ऐसी खतरनाक चर्चा सच्चाई है जिससे आज तक पीछा नहीं छुड़वाया जा सका है। सत्रहवीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था, और किले के चारों ओर पहाड़ों की खूबसूरती है। इस किले के निर्माण में बेहतरीन शिल्प कलाओं का भी प्रयोग किया गया है, और साथ ही इस किले में हिंदू देवी देवताओं के भी मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। भानगढ़ किले का निर्माण बेहद मजबूत पत्थरों से किया गया था, जो आज भी जस के तस स्थित है। लेकिन इस खूबसूरत भानगढ़ किले की एक भयानक सच्चाई इसके अंदर कैद है, और वह अंदर कैद है और वह है एक तांत्रिक का श्राप, जिसकी वजह से आज भी इस किले में शाम ढलते ही रूहों और आत्माओं की आवाज आने लगती है। कहते हैं भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। आसपास के राज्यों के सभी राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रत्नावती को कोई भी पसंद नहीं आता था। लेकिन उसी राज्य में रहने वाला सिंहिया, जो काले जादू का ज्ञाता था, उसकी नजर भी रत्नावती पर थी। वह रानी रत्नावती के रूप की दीवाना था और उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा था। जिस दुकान से रानी रत्नावती के लिए जो सेंट जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली सेंट की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का उपयोग किया कर देता था, तो उसका
रत्नावती कुंभ का नौकर देख लिया जो इस पर काला जादू कर रहा है। नौकर जाके रत्नावती को से बोला जो ये जो है सिंहिया वो सेंट पर के बोतल पर जादू रत्नावती ने उस बोतल को लेकर नौकर को दे दिया और नौकर से बोला जाओ तुम ये सेंट को फेंक दो बोतल। नौकर अपना ले गया और पत्थर के ऊपर वो फेंक दिया, लेकिन अपने इस काले जादू का असर सिंहिया पर पलट गया।